नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक पेश किया था, जिसमें उपराज्यपाल को और अधिक शक्तियां देने का प्रावधान है। इससे एक बार फिर केंद्र और दिल्ली सरकार में खींचतान शुरू हो गई है, जिसका असर गुजरात में भी देखने के लिए मिल रहा है। गुजरात में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि लोगों को सुविधाओं से वंचित करने और उनकी आवाज को दबाने की कोशिशों में भाजपा के गृहमंत्री अमित शाह द्वारा लोकतंत्र को कमजोर किया गया है। संविधान के विपरीत बिल को पारित किया गया। आम आदमी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता 30 मार्च 2021 को गुजरात के सभी 33 जिलों में एलजी की शक्ति बढ़ाने के सामने केंद्र सरकार के बिल का विरोध करेंगे। वैसे प्रदर्शन अब भी लगातार देखा जा सकता है। गुजरात में कई स्थानों पर केंद्र सरकार के इस काले कानून के खिलाफ कड़ी संख्या में लोगों ने विरोध किया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी गुजरात ने सभी जिलों में संगठित की है, वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सुनिए कि आखिर गुजरात की जनता क्या कह रही है और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रजाए जे ऐतिहासिक जनमत आप समग्र गुजरात में 72 सीटों और सूरत की अंदर 27 सीटों साथ विपक्ष में जे स्थान आप सीवाय देश के अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी ने जे प्रेम जे लोक चाहना मिली रही है सत्ता जवाना घर थी चिंतित थी। बीजेपी केन्द्र सरकार गृहमंत्री अमित शाह जी अमितशाही चलावा काम कर दिल्ली ने चूंटाये सरकार ने एनी जे सत्ताओ मळेली छे बंधारणीय सत्ताओ सत्ताओ निरस्त करीने सत्ताओ दूर करीने तमाम सत्ताओ एक बिन चूंटायेला व्यक्ति लेफ्टनंट गवर्नर ने आपवानो कायदो लोकसभा में लाव्या छे। कायदानुं नाम छे द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेन्डमेंट एक्ट। आ कायदाना माध्यमथी चूंटायेला जनप्रतिनिधि ने तमाम सत्ताओ निरस्त અને ફક્ત અને ફક્ત એક માણસ કે જે ચૂંટણી લડવા નથી ચૂંટણીઓમાં આવવા નથી લોકતાંત્રિક પ્રક્રિયાથી જેની પદ્ધતિથી પસંદગી થઈ નથી એવા લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરને સત્તા આપી અને અરવિંદ કેજરીવાલજીના શિક્ષણની રાજનીતિ કામની રાજનીતિ સ્વાસ્થ્યની રાજનીતિ મુદ્દાની રાજનીતિને રોકી એમની કોમવાદની અને જ્ઞાતિવાદની રાજનીતિ કરવા પાછલા બારણેથી સત્તામાં આવવાનું દુષ્કૃત્ય કર્યું છે। બીજેપી જ્યાં ચૂંટણી આવે ત્યાં ભ્રષ્ટાચારના કરોડો રૂપિયા ચૂંટણી જીતવા પૈસાની રેલમ છેલ કરે છે। જ્યાં પૈસા વેર્યા પછી પણ ચૂંટણી ન જીતી શકે ત્યાં ચૂંટણી જીતેલી પાર્ટીના ધારાસભ્યોને સામધામ ધનપેટથી તોડીને સરકારો બનાવે છે। જ્યાં પૈસાથી પણ સરકારો ન બની શકે જ્યાં ધારાસભ્યો તોડવાથી સરકાર ન બની શકે એવી દિલ્હીની આમ આદમી પાર્ટીની સરકારને તોડવા માટે લોકસભાની જે સત્તા એમને મળી છે એનો દુરુપયોગ કરે લોકતાંત્રિક પદ્ધતિનો દુરુપયોગ કરે આવા લોકતંત્ર વિરોધી કાયદાઓ લાવે। तो देखा आपने किस तरह से लोगों का गुस्सा फूट रहा है और आप कार्यकर्ताओं को लोगों का साथ भी मिल रहा है। वैसे भी गुजरात में आम आदमी पार्टी की पकड़ जो है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब इस विरोध का क्या असर होता है ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।